और लॉकडाउन के कारण समाज में उग्र मानसिक रोगियों की तादाद बढ़ रही है। दूर दराज से रेगुलर दवाइयां लेने के लिए रिनपास आने वाले रोगियों की तादाद रोजाना 500 से घटकर अब 25 रह गई। जिस रिनपास में रोजाना लगभग 500 के आसपास रोगी आया करते थे, अब 20 से 25 की संख्या में रोगी तबियत बिगड़ने पर रिनपास लाए जा रहे हैं। रिनपास में सिर्फ एक ओपीडी चल रही है और दवाई का काउंटर भी बंद कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले पर मरीज को देखा जा रहा है। बढ़ेगी, मानते हो बढ़ेगी थोड़ी सी, जिनको दवा नहीं मिल पा रही है, लेकिन मानसिक चीज से ज्यादा जरूरी है कि कोरोना से भी बचना है ना। जान बचाएंगे फिर आगे तो इलाज कर लेंगे, इसलिए ज्यादा जरूरी है कि घर पे रहें। पहले एवरेज डेली के लगभग 500 पेशेंट होते थे, अभी 50 पेशेंट के आसपास हैं। मतलब साफ है कि रिनपास में इलाजरत रोगी दवाई खत्म होने की सूरत में अपने अपने घर में ही फंसे हैं और वहां उग्र होने पर उन्हें समाज की पड़ताड़ना या मारपीट का भी सामना करना पड़ रहा है। किसी तरह दवाई लेने रांची पहुंचे इस बुजुर्ग का दर्द समझिए, जो भूलने की बीमारी से ग्रसित है और गलती से दूसरों के घरों में घुस जाता है और रोज मार खाता है। ऐसे पकड़ करके दवा खिलाती है, आप निकलते हैं सर पैखाना के लिए तो अपना क्वार्टर में उतने दूर में भुला जाते हैं, दूसर क्वार्टर में जाने लगते हैं, मारने लगता है, पगला आ गया। पहले व्यवस्था यह थी कि तमाम जिला सदर अस्पतालों में मानसिक रोग चिकित्सक भी बैठते थे और उनकी दवाइयां भी मिलती थी। यह व्यवस्था अधिकांश जिलों में बंद की जा चुकी है। अब आप समझ ही सकते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने तक समाज में पागलों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन रिंकू के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।